वाला है और अपग्रेड होना है अगर तो देखो नाच गाने के चैनल तो बहुत पड़े हुए हैं जिनसे आपकी जिंदगी नहीं बनने वाली ना आपके पैसा आने वाला है कुछ नहीं है टाइम पास और जिंदगी भर टाइम पास करना है कि लाइफ में कुछ कर दिखाना है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करो उनको फॉलो करो जिससे आप कुछ सीख सकते हो। ये आप लिखते हैं तो ये आपको एक एप्लीकेशन हमारी दिख जाएगी तो ये आपको कुछ नहीं करना है सिंपली डाउनलोड कर लेना है और यहाँ आपको लॉगिन करना है और अपने मनपसंद टूल आपको देखने हैं। वो इंस्टीट्यूट है जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर और ये इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट है। नंबर वन मैं क्यों बोल रहा हूँ आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं सर के जो है फेसबुक पेज है वहां जाके आप चेक कर सकते हैं डेली लाइव क्लास आपको देखने इन बोर्ड में। अगर आपको कंपोनेंट की नॉलेज नहीं है इन बोर्ड में ये नहीं पता है कि सेक्शंस कहाँ है क्या कहाँ पर सीपीयू है कहाँ पर पावर है पावर भी कितने हैं अभी वो वाला नहीं है कि सिंगल पावर है अभी तो अब चार चार पावर आईसी लगी आ रही है कौन सी पावर आईसी खराब है सीपीयू निकाले तो डुअल टेकर है तो ये सारी चीजें अगर ये ज्ञान नहीं है तो फिर 0% नॉलेज है तो फिर आप भी उन्हीं कैटेगरी में जो जिनको कुछ नहीं आता है फ्रेशर हम भेड़ बकरी से स्टूडेंट को घुसा लेते हैं। हम हमारे लिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए वही स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है जिसको दिल से जिसको मन से हो जिसको इंटरेस्ट हो जिसके अंदर खून में हो कि मुझे ये मोबाइल रिपेयरिंग करना है और एंड लेवल तक मतलब अपने आखिरी सांस तक करना है। जो यहाँ फर्स्ट डे की काउंसलिंग क्लास होती है ना उस काउंसलिंग क्लास में ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या होने वाला है। जो आत्मविश्वास आपको एशिया टेलीकॉम में आके मिलेगा वो इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिल सकता। लास्ट चलिए आपको एक छोटा सा वीडियो हम दिखा देते हैं। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं? हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है देवतन अग्रवाल एशिया टेलीकॉम की तरफ से और मैं मलिक ZS मलिक टीम की तरफ से और हम दोनों यहाँ पर हैं छोटा सा शॉर्ट इंट्रो देने के लिए हमारे बारे में। मैं अपने बारे में बताऊंगा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा इंट्रो। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे को देख रहे हैं वॉच कर रहे हैं पर उसके बाद भी उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। वैसे ही सर को भी देखते हैं वॉच करते हैं टूल लेना चाहते हैं पर उनको चीज़ों के बारे में पता नहीं है कहाँ कॉल करें कहाँ से परचेसिंग करें। तो सबसे पहले हम सर से बात करेंगे टूल के मामले में कि जो भी स्टूडेंट जो काम कर रहे हैं जिनको टूल परचेस करने हैं जो कोविड के चक्कर में या किसी भी चक्कर में जो जाना नहीं चाहते हैं जो चाहते हैं कि उनको ओरिजिनल टूल जो वो देखते हैं लोगों को काम करते हुए वही टूल उनके पास आ जाए वैरायटी आए उनके पास में टूल की सीट डाटा सीट आ जाए कि कौन कौन से टूल्स उनको मिल सकते हैं किस किस दाम में मिल सकते हैं तो ये सारी चीज़ें सर से थ्रू हम जानेंगे। सर बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैंने जैसे बताया मैं मलिक ZS मलिक टीम की तरफ से और हम पिछले 2016 से मोबाइल टूल्स इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं और जितने भी लेटेस्ट टूल आते हैं हमारी सबसे पहली कोशिश ये रहती है कि हम आपको पहले टूल्स ला के दें कि चाइना से जैसे कोई रिसर्च हो या कहीं भी तो वो टूल्स आपके पास आए ताकि आपकी हैंड स्किल बहुत अच्छी हो सके। तो हम जो है मोबाइल टूल्स में डील करते हैं और आपको किसी भी तरह के मोबाइल टूल्स SMD हो OC मशीन हो माइक्रोस्कोप हो या आयरन हो आप कोई भी परचेस करना है तो आप हमारी वेबसाइट है हमारे ऑफिशियल नंबर है हमारे रिसेलर है वहां से बाय कर सकते हैं। अभी हमारी प्ले स्टोर पे जो है एप्लीकेशन भी आ गई है अगर मैं आपको दिखाऊं आप सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और यहां आप लिखेंगे आप देख पा रहे होंगे ZS मलिक ये आप लिखते हैं तो ये आपको एक एप्लीकेशन हमारी दिख जाएगी तो ये आपको कुछ नहीं करना है सिंपली डाउनलोड कर लेना है और यहाँ आपको लॉगिन करना है और अपने मनपसंद टूल आपको देखने हैं। वो मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। इस तरीके की एप्लीकेशन हमारी खुल जाएगी आप वहाँ देख सकते हैं जैसे केबल्स हैं टूल्स हैं आपको कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है तो आप ईज़िली वहाँ से बाय कर सकते हैं। न्यू अराइवल प्रोडक्ट वहाँ होते हैं जैसे आप देख रहे हैं कि आयरन हुआ या सोल्डर वायर हुआ A to Z आप कुछ भी सामान वहाँ से बाय कर सकते हैं। और इसके बाद जो लोग अभी जैसे कोरोना काल खत्म हुआ है अभी प्रॉपरली खत्म नहीं हुआ और चल रहा है और आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं तो आप हमारे यहाँ से ऑनलाइन सामान मंगवा सकते हैं घर बैठे आपको सुविधा मिलेगी। बिल्कुल, तो आपने जैसे जाना सर को और आपने उनके नंबर भी सर ने बता दिए होंगे और सारे बताए कि प्ले स्टोर में अभी जाओ जो प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लो और मैं बोलता हूँ टूल की रिक्वायरमेंट अगर नहीं भी है जिसको तो भी डाउनलोड कर लो ये चेक करने के लिए कि नया बाजार में क्या आ रहा है तो आपको पता चलता रहेगा रेट और ये सारी चीज़ें। और जो जेन्युइन नंबर है
जो आप व्हाट्सएप जो आपके एप्लीकेशन के थ्रू इनको कॉन्टेक्ट करो। जी जी बिल्कुल, हमारा वैसे बोर्ड लाइन नंबर है 8534000060। आप उस पर कॉल करके पता कर सकते हैं कौन हमारा रिसेलर है, कौन सा हमारा ओरिजिनल नंबर है, कौन सा कॉपी है, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी बहुत हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, अब बात करते हैं इसे टेलीकॉम की। जी बिल्कुल सर, जैसे कि आप सभी जानते हैं सर से बहुत सारे लोग वाकिफ हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते कि देवरतन सर कौन है। तो ये एशिया टेलीकॉम के ओनर है देवरतन अग्रवाल जी, जिनका इंस्टीट्यूट है जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर, और ये इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट है। नंबर वन मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं, सर के जो है फेसबुक पेज है वहां जाके आप चेक कर सकते हैं, डेली लाइव क्लास आपको देखने के मिल जाएगी। इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो अपनी लाइव क्लास दिखाता हो। तो जैसे कि मलिक सर ने बताया एशिया टेलीकॉम के बारे में, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है देवरतन अग्रवाल और इस समय हम एशिया टेलीकॉम इंस्टीट्यूट में ही है। बिल्कुल सर। और ये आज हमारा लास्ट डेट है ड्यूएल लेकर, अभी हमारी जो लाइव क्लासेस चल रही हैं। अगर आपको एशिया टेलीकॉम के बारे में जानना है तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। एशिया टेलीकॉम एक बेसिकली चिप लेवल एडवांस टेक एक इंस्टीट्यूट है, पूरे इंडिया में एक बेहतर क्यों है एशिया और इंडिया, और मैं तो बोलता हूँ बाहर में भी, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो काफ़ी यूनिक है। हम इंडियन और चाइनीज़ और हर तरह की थाईलैंड और जो इंडोनेशियन होती है वो सारी टेक्निक को एंड्रॉयड में लेकर हम उनको देते हैं। बिल्कुल। तो हमारा जो नॉलेज है वो इस तरह का रहता है, जो हमारा प्रैक्टिकली सिनारियो रहता है वो ज़्यादा रहता है थ्योरी के बदले, और जो हम थ्योरी भी देते हैं वो फिर प्रैक्टिकली देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पे ए बी सी लिखते हैं तो हम उनको ए बी सी एक प्रैक्टिकली टू रोप्स भी बताते हैं, कि किसी बोर्ड में अगर हम कुछ बताते हैं कि कोई सर्किट लेवल पे कि ये जानकारी देते हैं, और हमने बोर्ड में कोई डायग्राम बनाया तो बकायदा उस डायग्राम को प्रैक्टिकली बोर्ड में हम स्टूडेंट के सामने उसको ढूंढते हैं, उस पर वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, उससे डी एस ओ से फ्रिक्वेंसी बताते हैं। तो इसको कहते हैं एंडलेस, जो कि हमारा आप कह सकते हैं कि एक स्लोगन है कि एंडलेस लर्निंग। तो एशिया टेलीकॉम दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग अभी अनवेयर, जो लोग शुरुआत में देख रहे होंगे बहुत सारे लोग तो हमको जानते हैं, क्योंकि हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं। हम तकरीबन उन मतलब बहुत देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा मैं 2008 से या 2002 से, क्योंकि रियल में जो मोबाइल का काम चालू हुआ वो 2015-16 से चालू हुआ सर, क्योंकि 2015-16 और 17 के बाद ही ये ओप्पो वीवो ये सारे सेट आए हैं, और उसके बाद जो रिपेयरिंग का काम हुआ है उससे पहले रिपेयरिंग एक नाक के बराबर थी, सिर्फ चार्जिंग बनने की ये सब बनने आते थे। और अब क्योंकि आईसी लेवल पे भी आपने देखा कि ब्लैक पेस्टेड में कोई साधन नहीं होते थे, माइक्रोस्कोप नहीं होते थे, एक गिने चुने लोगों के पास होते थे, स्टेंसिल्स नहीं होती थी, आपके टूल्स प्रॉपर नहीं होते थे, तो ये काम पॉसिबल ही नहीं था। बिल्कुल सर। और प्रोग्रामिंग लेवल पे तो ये सारी चीज पॉसिबल हुई 2016-17 के बाद, और तब से हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारे इंडिया के बाहर के 6 देशों से बच्चे पढ़ाए हुए हैं, जिसमें श्रीलंका है, जिसमें यूके है, जिसमें यूएसए से भी एक बच्चा वहां पर लंदन से आया, लंदन यूके से भी आया है, यूएसए से भी है, जिसमें हमारे पास में नेपाल से आते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे देश है, दुबई से हमारे पास बच्चे आए हैं, इटली से आया हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे हैं। और ये जनरली ये विदेशी नहीं है, ये इंडियन के लोग हैं, इंडियन नेपाली जो बाहर जाके बस गए हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, तो अलग अलग लोग हमें कॉल करते हैं। अच्छा दोस्तों, एशिया टेलीकॉम को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि किन लोगों को हम एडमिशन देते हैं, जो लोग एलिजिबल हो एडमिशन के लिए। सो बेसिकली आप ये सोचिए कि आप कितने पढ़े लिखे हैं तो ये काम कर पाएंगे, यहाँ पढ़ाई लिखाई का ऐसा कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिक से बताते हैं और बेसिक से एडवांस लेवल तक हम उनको सिखाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में जो 10 साल का टेक्नीशियन भी अपने आपको 10 साल का बोल के आता है। मैंने क्या बोला, कोई भी टेक्नीशियन आज अपने आपको 10 साल भी बोल देता है तो 10 साल पहले तो ये काम था ही नहीं। बिल्कुल। तो ये देखा जाए तो एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। जी जी। तो ये कहने का मतलब ही क्या है कि 10 साल से काम कर रहा हूँ और 15 साल से काम कर रहा हूँ, नोकिया के जमाने का काम कर, नोकिया के जमाने में आईसी लेवल का काम नहीं होता था। बिल्कुल। छोटी छोटी आईसीओ की माइक्रो जंपरिंग होती थी, वो भी एक बुक आती थी और वो एक पर्टिकुलर हर सेट में एक जैसी होती थी, मतलब सिर्फ आयरन के लेवल पर काम होता था, एसएनडी लेवल पे काम नहीं होता, ना प्रोग्रामिंग होती थी ना। सो ये कहना है कि मैं 10 साल का मैं पीस, आप ये समझिए कि आप अगर बोर्ड में, ये जो बोर्ड होते हैं ना दोस्तों, ये देखिए ये जो बोर्ड है, ये ड्यूल लेकर वाले बोर्ड है, ये आप देख सकते हैं, ये सारे जो बोर्ड है ना, इन बोर्ड में अगर आपको कंपोनेंट की नॉलेज नहीं है, इन बोर्ड में ये नहीं पता है कि सेक्शंस कहाँ है, क्या कहाँ पर सीपीयू है, कहाँ पर पावर है, पावर भी कितने हैं, अभी वो वाला नहीं है कि सिंगल पावर है, अभी तो अब चार चार पावर आईसी लगी आ रही है, कौन सी पावर आईसी खराब है, सीपीयू निकाले तो ड्यूल लेकर है, तो ये सारी चीजें अगर ये ज्ञान नहीं है तो फिर 0% नॉलेज है, तो फिर आप भी उन्हीं कैटेगरी में है जो जिनको कुछ नहीं आता है, फ्रेशर तो है, बिल्कुल फ्रेशर बच्चे आप बिल्कुल आ सकते हैं, बट इंटरेस्टेड होने चाहिए। देखिए इससे टेलीकॉम में यहाँ पर आप सोचेंगे कि मैं पैसा लेके आ रहा हूँ, मैं फीस दे रहा हूँ और हम आपको बिठा लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं है। और मैं सर को एक चीज बताना चाहता हूँ जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं,
एशिया टेलीकॉम जो आपने सुना होगा ना, एक प्राइवेट स्कूल का जो डिसिप्लिन होता है कि वो बहुत ज्यादा गुरुकुल जैसा, बिल्कुल गुरुकुल जैसा, कि पंचुअल टाइम पे आपको एंट्री मिलेगी, ऑन टाइम आपको आना है, ऑन टाइम खाना है, हर चीज टाइम टू टाइम है। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं तो ये मेरा कहना है, तभी आप एशिया टेलीकॉम आए, वरना नहीं आए अगर आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर सकते। आप एशिया टेलीकॉम में कॉल करेंगे, आपको खुद पता चलेगा यहाँ पर कॉलिंग के टाइम पे या जब यहाँ आएंगे आपको पता चलेगा कि यहाँ अहमियत, हम ऐसा नहीं है कि हम भेड़ बकरी से स्टूडेंट को घुसा लेते हैं, हम हमारे लिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए वही स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है जिसको दिल से, जिसको मन से हो, जिसको इंटरेस्ट हो, जिसके अंदर खून में हो कि मुझे ये मोबाइल रिपेयरिंग करना है और एंड लेवल तक, मतलब अपने आखिरी सांस तक करना है। जो एक साल दो साल अपने आपको कैरियर समझ के आ रहा है तो वो ये काम करे ही नहीं, और ना ही हम उसमें ना इंटरेस्ट रखते हैं, ना हम उनको बुलाना चाहेंगे, ना ऐसा कोई लोग आए भी, मैं ये चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात एक चीज और बताते हैं, जैसे हम भी वीडियो डालते हैं या हमारे स्टेटस पे, या बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि सर फोन नहीं उठाते, तो आप एक चीज बताइए, जब टीचर क्लास दे रहे होंगे तो उस बीच फोन क्यों उठाएंगे, और अगर वो फोन उठाएंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको क्लास में कुछ पढ़ा नहीं पाएंगे। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो एक टाइमिंग है, एक स्टाफ है कि जो आपकी कॉल अटेंड करते हैं, तो आप उनसे बात कीजिए। कुछ लोगों की ऐसे भी डिमांड होती है जो मैंने देखा है एक दो दिन यहाँ रुके, कि वो कहते हैं डायरेक्ट हमें देव सर से बात करा दीजिए। ऐसा नहीं है, देव सर क्लास लेते हैं और उनसे पॉसिबल नहीं है बात करना, ठीक है। तो आप स्टाफ से बात कीजिए और समझिए, पूछिए जो आपकी इंक्वायरी, डाउट क्लियर कीजिए, और उसके बाद आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कीजिए। मैं आज जानना चाहूंगा कि तुमने अपनी बताइए कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो डेली लाइव आता है, बताइए। नहीं सर, बिल्कुल इंडिया के अंदर क्यों नहीं आते, बाहर भी क्यों नहीं आते, क्योंकि सर उनका जो आउटपुट है वो नहीं निकल पाता। जब आउटपुट नहीं होगा तो कैसे वो लाइव आ जाएंगे, और लाइव एक ऐसी चीज है, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप सर लाइव में आ गया हूँ, तो आप संतोष नहीं है तो कुछ भी बोल सकते हैं कि हाँ नहीं ये है वो, नहीं भी बोलेंगे तो चेहरे से पता चल जाएगा कि आपको सीख रहे हैं नहीं सीख रहे। दूसरी बात जो मैं हमेशा यहाँ स्टूडेंटों को भी बताता हूँ, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूट से आते हैं, लेकिन उनका लास्ट डे का जो इंटरव्यू होता है या लास्ट डे का जो चेहरा होता है उनका, वो इतना उतरा हुआ होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके साथ कितना गलत हुआ है। और प्रॉपरली मैं हर महीने एशिया टेलीकॉम आता हूं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं कि यहां मुझे वो एनर्जी उन लोगों के अंदर देखने के लिए मिलती है स्टूडेंट के, कि उन्होंने पता नहीं जिंदगी में वो क्या सोच के आए थे और उन्होंने क्या पा लिया है, कि जितनी एक्सपेक्टेशन उन्हें थी उससे कहीं गुना ज्यादा उन्हें यहां मिला है। और यहाँ आपको इंडिया की सबसे बड़ी लैब भी मिलेगी, एक छोटा सा आपको लाइव वीडियो हम आपको लैब में अभी ले जाके दिखा देते हैं और आपको दिखाएंगे। वहाँ पे भी हमारे स्टूडेंट काम भी कर रहे हैं, डुअल लेकर का काम कर रहे हैं, और जितने भी एक एक टूल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अंदर हम लैब में दिखाते हैं, वो सारे हमारे जेडेक्स सर के हैं, सारे ट्विजर से लेकर माइक्रोस्कोप तक जितने भी हैं, क्योंकि हम ओरिजिनलिटी में बिलीव करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ ऐसे टूल से जिससे परफेक्ट सेट मिले, जिससे काम हो। आपका हुनर है आप में बहुत अच्छी चीज है, पर अगर आपके पास में टूल प्रॉपर नहीं होंगे तो ये काम पॉसिबल नहीं है। वो आपको 99% या 98% के रेशो में रख देगा, कहीं 2% वो काम ना के बराबर होगा। तो दोस्तों एशिया टेलीकॉम अगर ज्वाइन करना है तो जो नंबर है वो आपको नीचे मिल जाएंगे, और उसके अलावा आप फेसबुक में जाके हमें लाइव देख सकते हैं, और एशिया टेलीकॉम का एक ऑफिशियल चैनल भी है, और देवेंद्र अग्रवाल का भी एक ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पर, और सर का भी चैनल है, बताइए जेड एस मलिक टीम के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, तो आप सर को भी और हमें भी वहां फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट सर की टेक्निकल वीडियो होती है, बहुत यूजफुल वीडियो होती है, आपको टूल्स के बारे में भी हर चीज के बारे में जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है सर डीपली नॉलेज के साथ वहां डालते हैं, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और और भरोसा रखना आपके ऊपर। और ये मैं कह रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ आपके साथ, जो भी यहाँ आएगा ना वो सीख के जाएगा, वो इतना सीखेगा कि उसकी लाइफ बदल देगी, वो जो स्लोगन है ना बदल दे जिंदगी, मैं वादा करता हूँ आपके साथ कि मैं जिंदगी बदल दूंगा 2-3 दिन, आपको खुद बिलीव होगा, नहीं तो अपने पैसे लेके चले जाना, सही है कि नहीं? बिल्कुल सर, जहाँ मैं तो ये बोलता हूँ कि आप 2-3 दिन भी बहुत ज्यादा बोल दे रहे हैं, जो यहाँ फर्स्ट डे की काउंसलिंग क्लास होती है ना, उस काउंसलिंग क्लास में ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या होने वाला है। जो आत्मविश्वास आपको टेलीकॉम में आके मिलेगा वो इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिल सकता। लास्ट चलिए आपको एक छोटा सा वीडियो हम दिखा देते हैं हमारी क्लास का लाइव का, और उसके बाद में थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो भी चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो 2 चैनल पे आएंगे, सर के चैनल जेडएक्स मलिक जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सर्च कीजिए, और एक एशिया टेलीकॉम में, तो दोनों चैनल पे जाइए, दोनों चैनल के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, और उनको सब्सक्राइब करना क्योंकि अभी बहुत कुछ नया नया आने वाला है और अपग्रेड होना है। अगर तो देखो नाच गाने के चैनल तो बहुत पड़े हुए हैं जिनकी आपकी जिंदगी नहीं बनने वाली, ना आपके पैसा आने वाला है, कुछ नहीं है, टाइम पास हो, जिंदगी भर टाइम पास करना है कि लाइफ में कुछ कर दिखाना है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करो, उनको फॉलो करो जिससे आप कुछ सीख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। चलो मलिक सर एक बार इनको दिखा देते हैं।